फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हम फ्यूचर का कोई भी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे I shall go to Delhi tomorrow. She will come here by next week. दोनों फ्यूचर के बारे में एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है, तो दोनों में हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में ही एक समय वो चल रहा होगा। जैसे दिस टाइम टुमारो आई विल बी फ्लाइंग टू पेरिस, आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग बाय दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम ऐसे एक्शन समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग डिनर, दे विल हैव कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट मंथ। अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में ही किसी एक समय से किसी एक समय तक चल रहा होगा। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर 5 years, शी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 months बाय मार्च। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरे कोशिश करेंगे। धन्यवाद।